पसंद और चल लगा जियो 10 साल और काट लगाएंगे 10 साल और। ये देखो जी बैक घर बचका रहा था यो, ये फिर पत्ती लगाते हैं बैक ले जाना हो ना उस टाइम पे। अच्छा मतलब बैक ले जाना हो तो इसका पीछा पत्ती लगा देते, ये लग जाए पत्ती बैक ने इस साइड फिर बैक हटा देते। अरे वाह, 8 साल चलते हो गए जी इस ननू जी, इस पत्ती में 8 साल 8-9 साल का करीब। अरे और बाहर खड़ा रहता जी खेत में इन्हें 13 साल हो गए बाहर धूप में गर्मी में सर्दी में। अच्छा नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का एक और नई वीडियो में भाई। तो आज की वीडियो न्यू होलैंड ट्रैक्टर है भाई, करके दिखा देता हूँ। यह न्यू होलैंड 3037 NX प्लस नाम से आया करता भाई ये ट्रैक्टर। 13 के टायरों में है और 16 की एयरो जोड़ रखी इसके पीछे ने, 16 की एयरो जोड़ रखी भाई। इसकी परफॉर्मेंस दिखाएंगे एयरो पे और जो इनके मालिक हैं उनसे भी मिलवाएंगे भाई। और होलैंड में देखो भाई, तो राम राम भाई। राम राम भाई सारे किसान भैया। अच्छा कैसे हो? बढ़िया भाई, ठीक हो? ठीक हो। अच्छा एक बार अपना परिचय करा दो जी, कहाँ के रहने वाले हो भाई? नाम पंकज, गांव अलवास, जिला भिवाणी। अच्छा जिला भिवाणी। अच्छा तो भाई साहब कौन सा मॉडल है ये ट्रैक्टर? ये जी 10 मॉडल है जी। 10 मॉडल है? अच्छा तो 2010 मॉडल है। तो आज तक मतलब 2010 मॉडल आपने आज तक मतलब जैसे कि आज 2023 है तो शायद 13 साल हो गए, तो आज तक आपने बदलने की वो नहीं सोची भी इतना पुराना ट्रैक्टर आप चला रहे हो? चल सही रहे जी, कुछ कमी को नहीं। अच्छा ट्रैक्टर है, इंजन नुक्का नू रहा जी। अच्छा मतलब इंजन अब तक ऐसा ही है, अपना इंजन अब तक छेड़ा नहीं इसका? नहीं, कुछ नहीं छेड़ा जी। बड़े ट्रैक्टर आके राज के 16 की एरो खींच रहा जी। अच्छा 16 की एरो खींच रहा है? 50 HP का ट्रैक्टर खींचन जी, तेरी खींच रहा जी। अच्छा मतलब जो 50 HP का ट्रैक्टर खींचता है इतनी एरो, टायर भी 13 की है? टायर भी किसे हुए जी? टायर भी साफ तीसरी जोड़ी टायर कर लिए जी। तीसरी जोड़ी हाँ। वेट शायद ये 7 के होंगे? वेट 7 के जी। अच्छा तो कौन से गियर में चला करो आप इसने? यो इस टिब्बा में तो जी एरो में पहला काई में चल रहा है। अच्छा दूसरा कम चल पड़ा है फिर थोड़ा दब गया है, थोड़ा सा मतलब एयर पंप ड्रॉप कर दिया। टिब्बा है ना वैसे भी? टिब्बा। अच्छा और रात भी बड़ा हो गया? 14 की एरो इसकी लिमिट है जी, उसमें दूसरा में चल पड़ेगा। अच्छा 14 के एरो में दूसरे में चल पड़ेगा। अच्छा तो अब ये पहले में जब मतलब चढ़ाई पे तो पहले पे लेके आते हो गए और जाते वक्त चीज कोई समझ ले? ठीक है ठीक है। तो अब कौन से घर में चला के दिखाओगे? पहला काई में। अच्छा तो डीजल कितना लेता होगा ये? ये जी 3 लीटर ले लेता है। 3 लीटर? हाँ किलो में। अच्छा तो 2010 में ले आए थे आप? हाँ। तो उस टाइम पे जैसे कि मतलब ये जो आपने 3037 लिया, मतलब 3037 क्यों लिया? जैसे कि इसका मतलब आज तक भाई मैंने तो देखा नहीं, आपके पास में ही देखा ये ट्रैक्टर? ये जी राजस्थान में थोड़ी मार्केट ज्यादा है, राजस्थान में जी जमीन पड़ती है अपनी। अच्छा वहाँ चिड़ावा से लिया था जी। अच्छा चिड़ावा से लिया था आपने? पूरा टिब्बे के एरिया है उसमें यही चलता था। अच्छा तो अब भी है वहाँ पे शायद ऐसा कोई ट्रैक्टर मिल जाएगा? हाँ मिल जाएंगे जी खूब। अच्छा जैसे कि न्यू होलैंड के ट्रैक्टर है ये 3630 हो गया, 3200-2 हो गया, ये ट्रैक्टर तो मैंने देखे भी हैं जो अब चल रहे हैं, मतलब ये नाम मैंने पहली बार मतलब आपके यहाँ देखा है भी 3037। वे बड़े किसानों के लिए जी, ज्यादा किले जिस पे। अच्छा ये 10-15 किले 20 किले। कितने एचपी में आता था ये? 39 HP जी। 39 HP में? अब भी आओ है या बंद हो गया? नहीं बाओ जी। किस नाम से आता अभी ये? मतलब 3037 न्यू होलैंड 41 HP में कर दिया जी। अच्छा अभी 41 HP में कर दिया, टायर साइज भी बढ़ा दिया हुआ शायद? टायर तो ये 13 के 13 के। अच्छा तो मतलब आप ये बता रहे हो मतलब अब तक आपने इसका इंजन भी नहीं खुलवाया? इंजन कुछ को नहीं खुल रहा जी। अच्छा मतलब पसंद है आपको ये? पसंद और चल लगा जी, 10 साल और काट लगाएंगे। 10 साल और चलाओगे? अच्छा तो इसमें कोई मतलब आपने खासियत तो बहुत मतलब खासियत तो आपने इसकी बहुत बता दी, कोई कमी भी है क्या, कोई दिक्कत भी है क्या इसके अंदर? कमी जी हो रिडक्शन है, गेल्ड ही सम आवाज है सिर्फ। अच्छा पीछे से आवाज आती है? अच्छा नया ट्रैक्टर में कौन जो नया आ रहे हैं ना स्टेटेक्सल में? अच्छा उनमें नहीं है यार। अच्छा जो स्टेटेक्सल वाले उनमें आवाज नहीं है और इसमें है? हाँ। अच्छा अच्छा तो और भी बता रहे थे आप क्या दिक्कत थी इसमें? और तो जी गियर में है, बैक गियर में दिक्कत है इसके, जो बचका रहा है। अच्छा ये उस तो 2 साल पहले बचका दिया था। अच्छा मतलब जब आपने लिया तभी बचका दिया था गैर, फिर एक बार इसकी गिराई। अच्छा फिर बचका गया यो, फिर मैंने यो आप देखो इस साइड आके एक पत्ती लगवा दी। अच्छा ये देखो भाई, ये देखो जी बैक घर बचका रहा था यो, ये फिर पत्ती लगाते हैं बैक ले जाना हो ना उस टाइम पे। अच्छा मतलब बैक ले जाना हो तो इसका पीछा पत्ती लगा देते, ये लग जाए पत्ती बैक ने इस साइड फिर बैक हटा देते। अरे वाह, 8 साल चलते हो गए जी इस ननू जी, इस पत्ती में 8 साल 8-9 साल का करीब। अरे भाई रखांगे उतने दिन देर चल लगा जी। अच्छा जी जब तक रखोगे तब तक चलेगा। तो भाई ये देख लो किसान, ऐसे ऐसे किसान है भाई इंडिया के अंदर
भाई कंपनी पे इसका सलूशन नहीं हुआ शायद, आप ये बता रहे थे ना कंपनी में भी गए दो तीन बार। वेज गारंटी को ले रहे इसकी। अच्छा, काम करवा ले और फिर गारंटी तो लेते नहीं। अच्छा, मतलब काम कर देते हैं पर गारंटी नहीं लेते। गारंटी नहीं लेते। फिर फायदा क्या है? फायदा कुछ नहीं, गारंटी लेनी चाहिए। जितने जुगाड़ लगवा दिए थे पत्ती अच्छा। लाके काम नहीं, जैसे कि क्या होता है कई डीलर ऐसे होते हैं भी ट्रैक्टर बेचने से पहले ये कहेंगे भाई आप ट्रैक्टर लो, जब तक ट्रैक्टर लोगे हमारी गारंटी है, ये है वो है, तो कहीं ना कहीं वो गलत है। गलत है जी, इसका सोल्यूशन को नहीं नया काजी भरोसा तो कम है। सही बात है। उस टाइम पे आप मतलब गए नहीं एजेंसी में कभी? उस टाइम पे साल भर की गारंटी आती जित तो बचका नहीं था जी। अच्छा, साल तक तो कुछ हुआ नहीं। हाँ। बाद में दो साल के बाद में बचका। दो साल के बाद में हुआ। तो भाई नया ट्रैक्टर मतलब कम से कम 8-7 लाख का ट्रैक्टर आता होगा ये, तो वही किसान क्या करे, दो साल में दिक्कत हो जाए तो क्या करे फिर। सही बात है, तो सोचनी चाहिए कंपनी वालों ने। चलो फ्यूचर में अब कोई प्लान है क्या नया लेने का? नया जी देखेंगे एक दो साल बाद में। एक दो साल बाद में? अच्छा, मतलब कौन सा लोगे अगर मतलब आप अगर नया लेना सोचो तो कौन सा ट्रैक्टर लेना चाहिए? या तो न्यू हॉलैंड लेंगे जी। अच्छा, या जॉन डियर। अच्छा, या यामाहा लेंगे। अच्छा, स्वराज नहीं लोगे? स्वराज। अच्छा, हेलो, तो एक बार भाई सब चला के दिखाओ, कौन से गियर में चलाओगे? पहला का ही चला के दिखाओ, बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाना भाई। हाँ, एक सेकंड रुकियो भाई, रेस दियो, रेस रेस दे दो, रेस दे दे पूरी दे दो पूरी। आप ये देखो भाई क्या शानदार आवाज है भाई ट्रैक्टर की, मतलब 13 साल में आज तक ट्रैक्टर भाई धुआं नहीं दिखा रहा। ये देखो भाई परफॉर्मेंस, बाकी भाई ट्रैक्टर छोटा है और एरो बड़ी ले रहा है भाई, मतलब एरो बड़ी है इनके पास में, और साउंड देख लो भाई आप, ये बहुत ज्यादा ऊंचा टिब्बा भाई, मतलब इस पे ट्रैक्टर भाई ने बताया कि 50 HP का ट्रैक्टर होता है ना वो इस एरो को चलाता है, और ये भाई 39 HP से भाई इसको चला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं भाई ने कहा जज्बा है। ये देखो अब आ बैठे, साउंड चेक करो भाई क्या शानदार साउंड निकाल रहा है ट्रैक्टर। आप देखो इसकी परफॉर्मेंस, और कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो भाई ट्रैक्टर की और भी कोई वीडियो बनानी हो तो परफॉर्मेंस चाहिए। रोक लो भाई साहब, बंद कर दो जी, नीचे आ जाओ। तो भाई साहब ट्रैक्टर तो अच्छा चल रहा है आपका? हाँ, ट्रैक्टर सही चल रहा है, मतलब 13 साल हो गए, आप 10 मॉडल बता रहे हो ना इसको? 10 मॉडल है। 13 साल हो गए, तो 13 साल में आप तो धुआं भी नहीं दे रहा ट्रैक्टर। पंप का कुछ काम नहीं मांगे आज, इंजन अंजन का जब जम्बा फेम। किल्च प्लेट भी ओके है? किल्च प्लेट एक बार डल ली थी। एक बार डल ली किल्च प्लेट। अच्छा, वैसे मतलब आज जो आज आ रहे हैं जो ट्रैक्टर आ रहे हैं उनके शायद मडगार्ड भी 5-4 साल में गड़ जाए, अड़का लो आ रहा है, लेकिन इसके देखो वैसे के वैसे जी। और बाहर खड़ा रहता जी खेत में इन्हें 13 साल हो गए, बाहर धूप में गर्मी सर्दी में। अच्छा अच्छा जी, बाहर खड़ा रहता भाई ये ट्रैक्टर, देख लो कंडीशन इसकी। तो सेल कर रहे हो क्या इसको, मतलब कोई किसान भाई ट्रैक्टर लेना चाहो? कर दो सेल, कर दो, कोई विचार नहीं है, मतलब ज्यादा पसंद आ गया आपको? सही चल रहा जी। अच्छा, पावर ट्रक और ये आईसर 380 पावर ट्रक 439 ही शहरों ने खींचे नहीं सकते इतनी। अच्छा, मतलब जो 39 HP के ट्रैक्टर है उसको जो बराबर के है ना वे नहीं खींच पाओगे। अच्छा अच्छा, आपने चला के भी देखे देखे, मतलब आपने कभी कोई ट्रैक्टर इसके बराबर में चला करके भी देखा है क्या? आई सर देखे जी। अच्छा, कौन से पावर ट्रक 39 380 आई सर। अच्छा, तो वो जैसे कि मतलब क्या हुआ, दब रहे थे या चला नहीं पाए? वे जी टेढ़े हो जी, दड़ी पर चढ़ता ना। अच्छा, एरो थोड़ी बहुत थाते हैं तो जैसे कि ये टिब्बा है तो इस पर मतलब चढ़ते वक्त तिरछे चलने लग जाए, एरो एक साइड जाएगी ट्रैक्टर एक साइड। हां, यो बिल्कुल सीधा आ रहा जी। अच्छा, तो फ्यूचर में आप ने बताया अभी जॉन डियर न्यू हॉलैंड लेंगे अगर लेना पड़ गया तो। अच्छा, तो अगर कोई भाई कमेंट करके ये बोले अभी ट्रैक्टर की और वीडियो बनाओ, जैसे कि आपने अब एरो चला करके दिखा दिया, तो
कल्टीवेटर वगैरह पे कब चला कर दिखाओगे? कभी भी आओ जी, किसी टाइम, किसी भी टाइम, किसी भी टाइम। तो आपने कभी सोचा से कि या फिर कोई थ्रेसर जी हैरो है, मुश्किल से टिप्पे में खींचेंगे, रोटावेटर खींचेंगे जी। अच्छा, मतलब आप वैसे कितनी खेती करते हो? 13-14 किले तो जी मैं बोया करूं। अच्छा, और 20 मेरे रिश्तेदारों के, इसके 35-1 किले है नीचे जी। 35 किले हैं। और भाड़ा करते जी। भाड़ा भी करते हो? इसी ट्रैक्टर से? इसी ट्रैक्टर से। ये ट्रैक्टर घने हो गए जी, इस साल में 400 किले लिकट जी। अच्छा, तो आपकी तो आज शादी है भाई 39 HP से भाई। आप कहने का मतलब ये आजकल क्या है, लोग ये करते हैं जिसके पास में 10 किले जमीन है तो ये कहते हैं यार 50 HP का ट्रैक्टर लेंगे, छोटा ट्रैक्टर नहीं लेंगे। तो आप तो 39 HP से मतलब 400 किले की खेती करते थे बता रहे हो? कल्टीवेटर में सही जी है, कल्टीवेटर चलाओ ज्यादा उसमें सही है। अच्छा, बढ़िया है। जॉन डियर के जी हूँ भी, छोटे ट्रैक्टर भी जी, बड़े राज खींच ले जी। अच्छा, इसका 14 की यार चलती जी, फिर 16 की खींच रहा। अच्छा, तो भाई बताना, तो देख लो अगर सेल करते हो तो भाई बोल देंगे वीडियो में सेल। तो चलो सर, धन्यवाद कीमती वक्त देने के लिए। तो यही था वीडियो, अगर पसंद आई तो भाई वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।